तो लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। इसमें तमिलनाडु और उत्तराखंड के सभी सीट शामिल है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। लोकसभा के पहले चरण में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ उधम सिंह नगर में मतदान किया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला है और केंद्रीय मंत्री के साथ साथ बीकानेर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ से मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने परिवार के साथ जयपुर में वोट किया है। वहीं असम की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अपना मतदान किया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन सभी दिग्गज नेताओं की किस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज इन्होंने किया है। और लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कमलनाथ ने कहा कि जीत सच्चाई की होगी। चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा सच्चाई का है जी। सबसे बड़ा मुद्दा छिंदवाड़ा के भविष्य की बात है सर। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अभी सबसे बड़ा दंगल में कमलनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि मुद्दा सच्चाई का है, मुद्दा छिंदवाड़ा के भविष्य का है। वहीं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से बीजेपी उम्मीदवार जतिन प्रसाद ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके बाद जतिन अपने क्षेत्र रवाना हो गए। इस दौरान जतिन प्रसाद ने बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए हमारे साथ जितिन प्रसाद जी हैं जो पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी में जब से आप आए हैं डायरेक्ट ये पहला चुनाव आपका है, क्या आपको लग रहा है क्योंकि वरुण गांधी और मेनका गांधी सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं? ऐसा है, हम सब लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का निर्देश होता है उसका पालन किया जा रहा है। ये पीलीभीत का चुनाव पार्टी लड़ रही है, एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, नेतृत्व के पूरा आशीर्वाद है और आप देखिएगा यहाँ पे ऐतिहासिक विजय होगी। आप कह रहे थे कि ये चुनाव मोदी लड़ रहे हैं, आपने कई आपके भाषण सुने, मैंने आप कह रहे थे कि वो लड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो ये सीट परंपरागत रूप से आपके लिए, आपका घर भी यहीं बगल में, कोई दूर नहीं है, लेकिन जो बीएसपी के लोग हैं वो कह रहे हैं दोनों प्रत्याशी बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग नहीं है। छोड़िए साहब, मैंने बताया ना ये मुद्दा विहीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है और हम लोगों का सौभाग्य है उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दिल्ली की तरफ भी जाएंगे अब चुनाव जीतने के बाद? कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अब जितिन प्रसाद की जरूरत दिल्ली में है। पार्टी और जनता जो निर्देश देती है वही किया जाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने परिवार के साथ नागपुर में वोट डाला और लोगों से मतदान की अपील भी की। बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी इस मतदान को भारत का सबसे बड़ा उत्सव बताया है। आज हमारा लोकतंत्र का उत्सव है, सब लोगों ने मतदान भी करना चाहिए, ये वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और कर्तव्य भी है। मतदान किसको भी करे पर मतदान करना ये लोकतंत्र के इस उत्सव में सबका कर्तव्य है और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छा। ये सांस्कृतिक भारत है, ये ऐतिहासिक भारत है और ये एक ऐसा भारत है जो अगले 5 साल में ही 2019 तक ही तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो न साधारण चुनाव है, न ये साधारण भारत है और इसका निर्माता मतदाता है, इसीलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान हिंसक झड़पें हुई हैं। कूचबिहार में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में ये झड़प देखने को मिली है। कूचबिहार के चांदमारी इलाके में जमकर पत्थरबाजी भी की गई है। इस दौरान बीजेपी बूथ अध्यक्ष के सर पर भी गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। इसी तरह
बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पथराव के बाद एक टीएमसी कार्यकर्ता के सर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बंगाल के कूचबिहार जिले के दिनहाटा इलाके में बम भी मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से कांग्रेस पार्टी से सोनल पटेल को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें 2019 में अमित शाह इसी सीट से अब तक के बड़े मार्जिन से जीते थे और पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। नामांकन के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और पूरे देश का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं पटना, जहां पर हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चंद्रमोहन, सबसे पहले बताएं आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह से अभी तक वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं पटना में नहीं बल्कि गया में मौजूद हूं और बिहार के 4 जिले में अभी मतदान चल रहा है, जिसमें जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया में तकरीबन नक्सल प्रभावित जो इलाके थे वहां पर मतदान अब खत्म हो चुका है, क्योंकि वहां पर वक्त जो था वो सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान होना था। हालांकि शहरी जो इलाका है वहां पर अभी भी मतदान जारी है और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पर महावीर मध्य विद्यालय है गया शहरी इलाके का, जहां पर बीच में जब गर्मी का मौसम है ऐसे में लोगों के आने का सिलसिला थोड़ा थमा था जब तेज धूप हो गई थी, गर्मी जब बढ़ गया था, लेकिन एक बार फिर से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सभी जगहों पर अभी मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। अगर हम मत प्रतिशत की बात करें तो इन सभी जगहों को अगर मिलाएं तो 3 बजे तक तकरीबन 42% अभी तक मतदान हुआ है, जिसमें औरंगाबाद में 42.20%, गया में 39.35%, नवादा में 37.77% और जमुई में 44.46%। तो इतने मतदान अब तक 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे तक का भी आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन ये तस्वीर जो है वो गया के एक मध्य विद्यालय का है, जहां पर अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गया बिहार का सबसे गर्म जिला है, जहां पर आज तापमान 42% तक पहुंच गया था। ऐसे में दोपहर के वक्त में लोगों के आने का सिलसिला थोड़ा थम गया था, लेकिन एक बार फिर से लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आप अभी वोट देने के लिए पहुंचे थे, मन में क्या चल रहा था? चाहेंगे जी वोट देने के लिए ये कमल छाप वाले निर्दलीय नाम नहीं बताना है। देखिए लोग कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोग खुलकर बोलने लगते हैं, हालांकि मतदान अभी भी शहरी इलाके में जारी है, चाहे वो नवादा की बात करें, गया की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, लेकिन जमुई के ज़्यादातर जगहों पर अब मतदान खत्म हो चुका है। जहां पर लोग अभी भी कतार में खड़े हैं वहां पर अभी भी मतदान जारी है, लेकिन ये पुलिसकर्मी एक बार दिखाने की हम कोशिश करेंगे, ये तमाम जो पुलिसकर्मी है धूप गर्मी बरसात या कुछ भी हो, आज जब 42 डिग्री पहुंच गया था उस समय भी ये ड्यूटी करते हुए नजर आए थे और लोग जो भी इक्का दुक्का क्यों नहीं पहुंच रहे हो उनको बूथ तक पहुंचाने और फिर मतदान करने की बात कर रहे थे। हालांकि इतना जरूर था कि अब तक चाहे वो चारों जिले में जहां भी मतदान चल रहा है किसी तरह का कोई परेशानी किसी जगह पर नहीं है, चाहे हंगामे की बात करें या फिर ईवीएम खराब, इक्का दुक्का की अगर बात छोड़ दें तो कहीं भी मतदाताओं को कोई परेशानी अब तक देखने को नहीं मिला है। जी शुक्रिया, शुक्रिया चंद्रमोहन। तो जिस तरह से चंद्रमोहन बता रहे थे कि फिलहाल अगर मतदान प्रक्रिया की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह पर यह प्रक्रिया चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जनसभा की और मोदी ने राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यूपी में 2 शहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसे पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है।
तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधा जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ रहे हैं। तो भवानी, सबसे पहले ये बताएं कि वहां पर अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो उस हिसाब से क्या कुछ खबर है, क्या माहौल है वहां पर, ये सब बताएं। देखिए, राजस्थान में जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस वक्त 45% पहुंच चुका है 3 बजे तक का। और जयपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर है, जहां पर 3 बजे तक 50% हो चुका है और अभी लगभग 55% के वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में ज़्यादातर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40 से अबव है, 40 और 50 के बीच के अंदर है। कुछ जगह पर 40 से 42 के बीच में है, बाकी ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग परसेंटेज ठीक है। और अब क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा है, 6 बजे तक का वक्त है, इसलिए वोटिंग लगातार अब लग रहा है कि दिन में धूप गर्मी ज़्यादा थी तो अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से बुज़ुर्ग यहाँ पर वोट देने के लिए आ रहे हैं, उत्साह आप इससे देखिए। लोकतंत्र का जो पर्व है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है, आप वोट देने आई हैं इसके बावजूद भी काफ़ी खुशी है आपको? एक मिनट जोर से बोलेंगे, क्या कहेंगे आप मत देने आए? वोट हमें कह रहे हैं, वोट देने आए हो, क्या कहना चाहते हो? किसको दोगे? वोट देने आए हैं किसी सुगठ को देंगे, जो किसी अच्छे को देंगे। राजू जी आप आए, ये राजू जी सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे लोगों को जो दिव्यांग लोग हैं जिनकी मदद कर रहे हैं, ला रहे हैं, आप इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि एक भी ऐसा वोट ना रहे जो चलने में असमर्थ है। हमने कल भी ग्रुप में चलाया कि जो वोट देने लायक नहीं है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, वो कृपया हमें बताएं, हम उनको घर से लाएंगे, घर से लाके हम वोटिंग जहाँ वोट डालेंगे वहाँ तक हम पहुँचाने की फायदा हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइन काफी लंबी, कम से कम 30 से 35 लोग आए हैं, जन सेवक हैं और वोटों की परसेंटेज बढ़े। आप इसके एक कतार बताता हूँ आपको कि आप देखिए कि यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ है जिनमें सब में कतार लगी हुई, लंबी कतार है यहाँ पर, आप देखिए कि जहाँ देखेंगे। और ये तब की बात है क्योंकि अभी जो वक्त है वो आप देखिए कि 4:10 हुई है, जैसे ही 5 बजेगी ये कतार और लंबी होती जाएगी, 5 से 6 बजे में वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। राजस्थान में शहरों के अंदर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ठीक है, जो हमेशा कम रहता है। कुछ ग्रामीण इलाकों में, करौली का इलाका है, सवाई माधोपुर का इलाका, वहाँ कुछ पोलिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अब क्योंकि धूप का, गर्मी का वक्त आ, राजस्थान में लू लगती है, हीट वेव्स होती है, तो उस वजह से भी कुछ कमी रही है। तो माना जा रहा है कि ज़्यादातर जगह पर वोटिंग परसेंटेज ठीक है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से जयपुर से हमारे संवाददाता भवानी सिंह आपको बता रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो फिलहाल वो सही दिखाई दे रहा है, और खासतौर पर जो एक अच्छी तस्वीर दिखाई दी कि जो सीनियर सिटीजन है, दिव्यांग है, उनके लिए भी वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। तो जयपुर के बाद अब सीधा आपको लेकर चलते हैं नागपुर, जहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। तो विवेक, ये बताएं नागपुर में कैसा चुनावी माहौल आपको दिखाई दे रहा है? दिवाली देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव होने हैं, नागपुर, गढ़चिरौली, रामटेक, गोंदिया, इन सभी चुनाव होने हैं। 95 लाख वोटर्स आज महाराष्ट्र के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव मतदान करेंगे। 10,000 से ज्यादा बूथ हैं, लेकिन इस समय हमारी मौजूदगी नागपुर में है, और नागपुर के ये बूथ इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सुबह RSS के सरसंचालक मोहन भागवत जी ने आए और वोट डाले। वोट डालने से पहले 10 मिनट पहले वो यहाँ पे आ गए थे, 10 मिनट इंतजार किया, उसका वोट डाले। अभी भी शाम के 4 बज चुके हैं, नागपुर में गर्मी बहुत है, 43 टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी देखिए जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, आकर वोटिंग कर रहे हैं। लोगों से गुजारिश भी कर रहे हैं कि अपने घर से बाहर निकले और वोटिंग करने के लिए अंदर जो बाहर है वोट करने की जरूरत। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर, पार्टी का नाम और उम्मीदवार का नाम नहीं लेना है, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? सर, विकास के नाम, विकास के नाम, जितना विकास जो करेंगे उसके लिए वोटिंग करेंगे। ओके, आप सर? सर, विकास के ऊपर, विकास सब सुविधा मिलनी चाहिए सबको, ऐसा है, खासकर मेडिकल लाइन में, मेडिकल लाइन, और सबको सस्ती दवाइयाँ होना, सबको ऐसा है, आज के टाइम में इतना महंगी दवाइयाँ हो गई है, सब ले नहीं सकते वो इतनी कॉस्टली दवाइयाँ, तो गवर्नमेंट ने कम से कम दवाइयों में रेट कम करना चाहिए। तो वो मुद्दा रहेगा। मैम, आपके क्या मुद्दा? जो विकास करेंगे उसको, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। आपका सर? अब विकास करेंगे उसको वोट। तो विकास सारे जो नागपुर के विकास मेन वो रहेगा। मैम, आपकी एज कितनी? मैम, उम्र कितनी आपकी? 65। आप किस मुद्दे पे वोट देंगी? पार्टी के नाम, उम्मीदवार का नाम आपको नहीं बताना है? मालूम नहीं है।
आप किस मुद्दे पर देंगे सर? हो गए ना मेरा विकास के मुद्दे पर गोविंद भाई जी। ओके, तो ये देखिए दीपाली, जितने लोग हैं यहाँ पर नागपुर में, जो लोग बाहर निकल के आए हैं घर से, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो उस सांसद को चुनेंगे, उस गवर्नमेंट को चुनेंगे जो विकास करे, डेवलपमेंट करे। उस मुद्दे को लेकर नागपुर में वोटिंग हो रही है। सुबह जब वोटिंग हो रही थी तो पब्लिक ज्यादा थी, क्योंकि नागपुर देश का एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 43-44 टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है, इसलिए दोपहर में जो लोग है वो घर से बाहर कम निकलते हैं। लेकिन 4 बजे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 2 घंटे का समय, 4 से 6 के बीच में, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा। 2019 में जो ये मतदान हुआ था वो 54% हुआ था, तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे तो जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, और उम्मीद जताई कि 60-65% तक नागपुर में वोटिंग हो सकती है। दीपाली, शुक्रिया विवेक, की सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो एक जो अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि गर्मी के बावजूद भी, चाहे हम गया की बात करें, जयपुर की बात करें या नागपुर की बात करें, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में खाड़ी संकट से दबाव उभरता हुआ दिखाई दिया और आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी भी यहाँ पर दिखाई दी। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं हमारे सहयोग यतिन से। तो यतिन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज तेजी में बाजार की हाइलाइट्स क्या रही हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट्स की बात करें तो क्लियरली आज एक वॉलेटिलिटी वाला दिन था। इसराइल और ईरान के टेंशन्स के बीच में बाजार एक गैप डाउन के साथ शुरू हुआ। ऑब्वियसली इंट्राडे में लगभग 400 पॉइंट की हमने तेजी देखी और इसका मुख्य कारण था मेटल और बैंकिंग शेयरों में तेजी। ऑब्वियसली डेज लो से बहुत सारे शेयरों में आपको सुधार आता हुआ नजर पड़ा और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम बात करें मार्केट्स की तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा सुधार आता हुआ नजर पड़ा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ब्रॉडली 2:3 रहा, जो सुबह लगभग 1:3 था। तो अच्छी तरीके से मार्केट में रिकवरी और 22,000 के ऊपर निफ्टी बंद होने में आज आपको कामयाब होता हुआ नजर पड़ा और क्लियरली ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसके कारण भारतीय बाजारों पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। ओके, यतिन, ये भी जानना चाहेंगे कि आज कौन से सेक्टर्स और शेयर्स ऐसे रहे जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई दिया है? तो शुरू करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ बैंकिंग शेयर्स दिखेंगे, आपको फाइनेंशियल्स दिखेंगे। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 3% के गेन के साथ ये शेयर ने डे क्लोज किया। M&M, HDFC बैंक रिजल्ट्स के पहले और मारुति जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी रही। फ्लिप साइड पर अगर हम कहें तो बजाज ऑटो रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लगभग 2.5% नीचे ये शेयर बंद आया। डिवीज लैब, HCL टेक्नोलॉजीज, नेस्ले, TCS जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली हावी रही। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो एलिकॉन इंजीनियरिंग रिजल्ट्स के बाद लगभग 10%, मोतीलाल ओसवाल बोनस इशू कंसिडर करने वाले हैं उसके बाद शेयर में लगभग 7% की तेजी, और आरके फोर्जिंग टेस्ला के साथ सप्लाई एग्रीमेंट करने के बाद शेयर में अच्छा खासा ट्रैक्शन आज के दिन भी देखने को मिला। लूजिंग साइड पे श्नाइडर इलेक्ट्रिक, स्पार्क, जुबलिन फार्मोवा जैसे काउंटर्स थे जहां 4-5% तक की गिरावट आपने आती हुई देखी। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एलन मस्क के भारत दौरे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबर। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर जो कि जुड़ी हुई है टेस्ला के मालिक एलन मस्क के भारत दौरे से। रविवार को एलन मस्क भारत पहुंचेंगे और मस्क का भारत में क्या प्रोग्राम है, किस सेगमेंट में एलन मस्क कितना निवेश कर सकते हैं, इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एलन मस्क के भारत आने की डिटेल्स क्या कुछ है आपके पास? देखिए, इसमें दो हिस्से में बांटना चाहूँगा। पहला कि हर कोई जानना चाहता है कि एलन मस्क जैसे शख्स आएंगे, कब आएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या उनका प्लान है। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक अपने प्राइवेट जेट से रविवार को ही एलन मस्क भारत पहुँच जाएंगे और भारत में यहाँ पे नई दिल्ली में होटल ओबराय है, वहाँ पर उनके रुकने का कार्यक्रम है। तो होटल ओबराय में यहाँ पर रुकेंगे, उनके रुकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और वहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता है प्रधानमंत्री कार्यालय का। अगले दिन सोमवार को जो है
प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात यहां पर हो सकती है, फर्स्ट हाफ में मुलाकात हो सकती है, क्योंकि 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक रैली है अलीगढ़ में, तो हो सकता है कि रैली से पहले ही प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाए। और फिर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वह है आपको उनका स्टार्टअप के साथ बैठक करने का, और उस स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा जोर होगा जो लॉजिस्टिक सेक्टर के स्टार्टअप हैं, स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप हैं, उनके साथ वो बैठक करेंगे दिल्ली में, वो भारत मंडपम में बैठक करेंगे। इस बहाने भारत मंडपम जो नया कॉन्फ्रेंस सेंटर बना है उसको भी शोकेस करने की कोशिश सरकार वहाँ पर करेगी, और उसके बाद कुछ अन्य कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम, फिर वो वापस चले जाएंगे। लक्ष्मण जी ये भी जानना चाहेंगे, अगर मस्क का भारत में निवेश पर्सपेक्टिव जानना चाहें तो कहां कहां निवेश संभव दिखाई दे रहा है? इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि एलन मस्क भारत में अपने पूरे निवेश का एक अच्छा खासा रोड मैप पेश कर सकते हैं। ये रोड मैप 10 साल के करीब का हो सकता है। उस रोड मैप के 2-3 चरणों में निवेश किया जाएगा, इसका खुलासा यहाँ पे हो सकता है। और रही बात निवेश किन किन सेक्टर में होगी, तो 3 सेक्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, इसको लेकर करीब $2-3 बिलियन का निवेश का यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का प्लांट का रोड मैप नहीं है, उसके साथ साथ कंपोनेंट मेकर जो हैं उनको भी भारत लाया जाएगा, उनके निवेश का क्या प्लान होगा वो भी उनके पूरे निवेश के रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और सिर्फ गाड़ी और कंपोनेंट तक ही मामला सीमित नहीं रहने वाला है, अगले चरण में चलकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी टेस्ला यहां पर उतरेगी, ये भी ऐलान किया जा सकता है, ये भी उनके रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट $12-15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने की संभावना जताई जा रही है। और सबको मिला दें, पूरे निवेश को प्लान को मिला दें, तो मुझे जो संकेत मिल रहे हैं अलग अलग सूत्रों से $20-30 बिलियन $20-30 बिलियन के आसपास के निवेश का रोड मैप यहां पे एलन मस्क पेश कर सकते हैं। रही बात स्टारलिंक को लेकर के, तो मुझे जो तकनीकी जानकारियां मैं जुटा रहा था कि स्टारलिंक के लिए करार होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तो मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि स्टारलिंक पे करार होता हुआ शायद ना दिखे, क्योंकि तकनीकी प्रक्रिया है वो थोड़ा सा अभी नहीं हो पाया है, और लेकिन ऐलान हो सकता है, लेकिन स्टारलिंक थोड़ा सा टकता हुआ दिख सकता है इस एलन मस्क के दौरे के दौरान। शुक्रिया लक्ष्मण जी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें बताने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, एलन मस्क की यात्रा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं। सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है और एलन मस्क का भारत आना एक अच्छा संदेश होगा। एलन मस्क जैसे उद्योगपति का आना, निवेशक का आना, एक इसमें और एडिशन करेगा? जरूर, हम तो वेलकम करते हैं कि प्लीज सब इधर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि वातावरण इधर अनुकूल है, हमारे युवा अच्छा क्वालिफाइड स्किल्ड भी हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सस्ते में भारत में सब फैसिलिटी मिलता है, इसीलिए हम तो खुलेआम सबको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कुछ आप शेयर कर सकें कि एलन मस्क का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप देख रही हैं? मैं एक बड़ा सा कंपनी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं, उससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट एक अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ, भारत में हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बड़े कंपनियां आकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण अनुकूल है और इसमें भारत का भी उपयोग है, विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे आवाज अड्डा कार्यक्रम के बारे में कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। खाड़ी में तनाव के बाद बाजार को क्यों हुई है टेंशन और निवेशक आगे क्या बनाए रणनीति, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो देश में गर्मी ने वक्त से पहले ही दस्तक दे दी है, एयर कंडीशन बनाने वाली कंपनियों की चांदी हो गई है। मशहूर कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड एलजी ने जनवरी से अब तक 10 लाख एयर कंडीशनर बेचे हैं। मैंने खास बातचीत की है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय चितकारा से, देखिए। हमारी जो ये नई रेंज हमने दी है, इसका हमें बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है
सो हमारे पार्टनर्स बेस्ड ऑर्डर बेस्ड क्वांटिटी में हमने रिकॉर्ड 100 डेज में 1 मिलियन सेल्स ऑलरेडी कर लिए एंड स्टिल्स नंबर्स आर मूविंग. और जैसे कि इंडिकेशंस हैं साउथ इंडिया में बहुत अच्छी गर्मी पड़ रही है, केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बहुत ही गर्म है. और इस बार हमने देखा बैंगलोर में सडनली गर्मी होगी जबकि बैंगलोर एक बहुत बड़ी एसी मार्केट नहीं थी. वेस्ट ईस्ट में हम आए तो वेस्ट बंगाल उड़ीसा बहुत अच्छी डिमांड आ रही है. उसके अलावा पुणे सडनली काफ़ी गर्म हो गया है, गुजरात और छत्तीसगढ़ एमपी सेंट्रल इंडिया में भी अब काफ़ी गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है. तो ये बहुत ही इंकरेजिंग ट्रेंड है और हमें लगता है इस साल एक अच्छा एक नॉर्मल समर इनफैक्ट मोर देन नॉर्मल समर हमें मिलेगा जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत टाइम से वेटेड था और एक अच्छी इंडस्ट्री में सेल होगी. चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में. नेस्ले सेरेलैक की एक खुराक में करीब 3 ग्राम चीनी है जबकि बच्चों को चीनी देने से मना किया जाता है. इसको लेकर भी अभी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन क्या है सेरेलैक और चीनी की असली कहानी जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल शो कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर.